कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि शायद सारा ब्रह्मांड मेरे लिए बना है है नहीं ऐसा मैं क्या हम सब लोग बहुत छोटा हिस्सा हैं हमारे लिए ब्रह्मांड नहीं बना है। पर फिर भी अब देख लीजिए ना हमारी पृथ्वी लीजिए हमारा एक सूर्य है जिसकी सबसे अधिक चमक उस रोशनी में है जिसे हम देख सकते हैं हमारा वायुमंडल है वो भी ऐसा है कि वो उसी रोशनी को बड़ी आसानी से नीचे आने देता है जिसमें हम देख सकते हैं अब ये कमाल की बात है कि हमारा वायुमंडल भी ऐसा बना हमारा सूर्य भी ऐसा बना कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक हो या ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है हम ऐसे बने जैसा वायुमंडल था जैसा सूर्य था एवोल्यूशन से इस तरह से बने पर बड़ा मज़ा है। अब देखिए ना हमारा आकाश आमतौर पे नीला होने के बजाय अगर पीला होता तो मजा नहीं आता ना या हम रेडियो वेव्स में रेडियो में देख सकते हैं या एक्सरे में देख सकते हैं हो सकता था पर एक छोटी सी थोड़ी सी वेवलेंथ है उसमें हम देख सकते हैं और उसमें इतना आनंद है अब आकाश को लीजिए नीला क्यों है अब ये कैलकुलेट किया जा सकता है लॉड्रेले ने भी किया था कि जो रोशनी आती है वो वायुमंडल से निकलती है तो वायुमंडल में जो थोड़ी थोड़ी कहीं ज़्यादा हवा हो गई कम हो गई डेंसिटी फ्लक्चुएशन वग़ैरह इसकी वजह से मॉलिक्यूल से वो बिखरती है स्कैटरिंग होती है Scatter. और स्कैटरिंग जो है इतनी ज़्यादा नहीं है थोड़ी थोड़ी स्कैटरिंग है बहुत कम यानी कि एक थोड़ी हवा है तो उसमें से स्कैटर हो जाएगी सारी नीला रंग उस कमरे के परे अगर नीली लाइट हो तो हमको दिखती है बहुत सारी स्कैटर नहीं होती जी। पर अगर बहुत सारी हवा में से निकले तो थोड़ी स्कैटरिंग होती है और ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अगर वेव कम है जैसे नीले रंग की कम है वॉलेट इंडिगो ब्लू और कहते हैं ना और लाल रंग की वेवलेंथ उससे डबल है तकरीबन डबल है तकरीबन नीले की करीबन एक माइक्रोमीटर के आधे से पॉइंट फोर नैनोमी नैनोमीटर हाँ माइक्रोनो हाँ माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर पॉइंट फोर माइक्रोमीटर और नीले की तकरीबन डबल का फर्क है तो स्कैटरिंग जो है वो निर्भर है वेवलेंथ की चार पावर अगर अगर वेवलेंथ का फर्क है दो का फैक्टर का पॉइंट फोर और पॉइंट एट मान लीजिए पॉइंट चार पॉइंट आठ दो का फैक्टर है तो स्कैटरिंग उसमें सोलह गुना ज्यादा हो जाएगी अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा, हो ज्यादा जाएगी। जाएगी। तो इसका मतलब है नीला रंग ज्यादा स्कैटर करेगा अब यहां सूर्य है, ये रहा सूर्य। और सूर्य की रोशनी तो हर कहीं जा रही हम यहां बैठे हैं तो इधर को अगर हम देखें तो हमें तो ये टर होकर यही वाली दिखेगी नहीं अगर कोई लाइट दिखेगी तो नहीं तो जी, काला ही दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा तो यहां से जो जा रही स्कैटरिंग हुई तो नीली ज्यादा स्कैटर होती है तो अधिकतर जिधर भी देखेंगे हम लगेगा कि नीला ही आ रहा है हमारी तरफ क्योंकि अगर लाल रंग है वो तो निकल जाएगा सीधा हमारे तरफ नहीं आएगा जी, तो जो हमारा आकाश है आकाश आकाश नीला आकाश के बिना आकाश ना होता तो बड़ी बुरी होती है पर आकाश कुछ नहीं है केवल वो है कि वो लाइट सूर्य की जो हवा से स्कैटर होके हमारी आंखों की ओर आती है वो ही आकाश का अस्तित्व है और उससे हमारी जिंदगी कितनी उमदा बनती है कि नीले रंग का नीला आकाश नीला आकाश हमारे तरफ आता है लाल इसलिए नहीं आता है कि लाल दूसरी तरफ दूसी निकल जाता, जाता है जिधर को जा रहा है निकल जाता जा अब ना, लाल जो निकल जा रहा है वो भी हम देखते हैं वो भी मजा, है। है, लेकिन हाँ, मजा तो लेकिन। ये है कि सुबह होती है दोपहर होती है शाम होती है तो शाम जब होती है तो ऐसी हालत होती है ये पृथ्वी लीजिए गोल और मान लीजिए ये उसके तरफ वायुमंडल की परत है मैंने जरा मोटी बना दी इतनी मोटी नहीं है ठीक है तो दिन के वक्त तो सूर्य की रोशनी ऐसे आ रही है ऊपर से दोपहर को शाम के वक्त सूर्य यहाँ पे ठीक है हम यहाँ खड़े हैं तो शाम को जो सूर्य की रोशनी आती है वो केवल इतने से वायुमंडल से होके नहीं आती वो आती है इतने लंबे वायुमंडल से होकर तो स्कैटरिंग का बहुत मौका मिलता है इसका मतलब नीला रंग चोरी करने का बड़ा मौका मिलता है तो नीला रंग तो चला जाता है इधर उधर इधर दूसरी तरफ चला जाता है तो बाकी रह जाता है थोड़ा ऑरेंज और लाल रंग तो शाम को इतना सुंदर सूर्य लाल और वो दिखता है दिन के वक्त तो सूर्य को देख, देख नहीं सकते, देख सकते। देख तो दिन को नीला आकाश शाम को बादल ना हो तो और शाम को लाल लाल और और ऑरेंज और और का संतरे रंग का सूर्य और इतना ड्रामा जो आकाश में होता है जिसकी वजह से जिंदगी इतनी सुंदर होती है इस वजह से है अब ऐसे मैंने सोचा ठीक है कि नहीं कि हमारा सूर्य शाम के वक्त इधर आ रहा है तो बड़ा सुंदर लग रहा है लाल लाल लग रहा है और उसकी नीली नीले छुआ चोरी की जा रही है तो कई लोग बैठे होंगे यहाँ पे जिनकी तरफ ये नीला रंग जा रहा है जी। तो हमारा नीला रंग जो चोरी किया है कई और लोगों के लिए नीला आकाश बन रहा है यूरोप में नहीं तो कम से कम मिडल ईस्ट वाले लोग पाकिस्तान वाले ईरान वाले उधर वाले जब शाम को है जिनके यहाँ नहीं, नहीं नहीं उनके यहाँ तो हमारे यहाँ शाम हुई तो उनके यहाँ उनके यहाँ अभी शाम नहीं हुई हुँ। हुँ? तो उनका नीला आकाश चोर है हमारी हमारी नीली लाइट लेके जा रहे हैं नीला आकाश बना के लिए पर हम भी चोर हैं किसी और की नीली लाइट है। लेते हैं उस वक्त ये ये चोरी बड़े मज़ेदार चोरी है पृथ्वी पे जो चलती है इस सिलसिले में एक बड़ा उम्दा अभी अभी हाल ही में रिकॉर्डिंग की गई थी कि जब चंद्रमा का पूरा ग्रहण हुआ इसका मतलब पृथ्वी आ गई सूर्य और चंद्रमा के दरमियान और बिल्कुल बराबर था वो इतना बड़ा ही उसका गोला का, कालक थी उसकी हाँ। उसका शेडो तो तस्वीरें जो ली गई टेलीस्कोप से बड़े ध्यान से तो उसमें ये देखा गया कि जो जो ग्रहण पूरा होता गया और पूरा हो गया तो चंद्रमा बिल्कुल काला नहीं हुआ उसमें थोड़ी थोड़ी लाल और जैसे तांबे की सी रंग की झलक पड़ी और वो सोचो कि तांबे की वो लाल झलक कहाँ से पड़ी वो तो पृथ्वी का तो शायद वो आ गया था अब पृथ्वी पूरी ठोस नहीं है खाली ठोस नहीं है वायुमंडल भी है तो उस वक्त भी वायुमंडल से सूर्य की किरणें निकलेंगी तो नीला तो इधर उधर उधर उधर, उधर, चला, गया। उधर चला गया लाल गोभी रंग जो है स्कैटर होकर सीधा ज्यादा निकला और थोड़ा सा स्कैटर हुआ तो जाके चंद्रमा पे गिरा तो चंद्रमा हमें लाल और तांबे और के शक्ल का दिखने लगा तो उमदा उमदा जो खेल होते रहते हैं और उसके साथ तो फिर अगर आप बर्फ में देखिए बरसात में देखिए अब इंद्रधनुषी ले लीजिए Hmm. बूने गिरती हैं पर बूने धीरे-धीरे धीरे-धीरे गिरती hmm. हैं गोल होती हैं बरसात हो चुकी है थोड़ी बूंदे टंगी रहती हैं हवा में और धीरे-धीरे फैलती रहती हैं गिरती रहती हैं डांस करते हुए आती रहती हैं। और पीछे से सूर्य की रोशनी आ रही है इधर को जा रही है गई hmm. और ये रही एक बूंद एक बूंद इधर से आई रोशनी अब हमने क्लास में पढ़ा है कि अगर पानी में जाएगा तो, तो थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा हु? तो इधर से रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे पर यहाँ तो एंगल ऐसा आएगा कि यहाँ तो टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ फिर रिफ्लेक्ट होगा हम्म तो इधर को आ गई तो इससे रिफ्रैक्शन में रंग तो बनेंगे बनेंगे हुँ? पर एक इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ है तो एक ये सोचते हैं कि अच्छा तो बने तो क्या हर जगह रंग हो जाए एक एक, एक किस्म का धनुष क्यों बन जाता है इकट्ठा क्यों हो जाता है ये एक बड़ा उम्दा एक्सीडेंट है अगर आप एक प्रिज्म रहे शीशे का जी। और इधर से लाइट डालें और अंदर से कैसे होता है थोड़ा ऊपर को सर हाँ ठीक है न इधर बैंड हुआ ना और इधर इधर गई हम्म तो इस प्रिज्म पहले लाइट इधर को जा रही थी अब इधर को जा रही है हुँ? ये एंगल है इसको कुछ एंगल मान लीजिए तो लाइट इधर की बजाय इधर निकली ठीक आप को घुमाइए तो आप देखेंगे कि एक एक ये जो जो कोण कोण होता होता है, है, छोटा छोटा से छोटा उसके उससे कम नहीं हो सकता उससे ज्यादा ही होता है ए एंगल क्या अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिफ्लेक्शन, कम से कम कोण जो होता है वो ऐसा होता है हुँ? तो वो भी जो हमने देखा था प्रिज्म वाला ही हो रहा था जो इसमें से है? तो फिर ये आज से तीन चार सौ साल पहले देखा ने कैलकुलेशन की थी थोड़ी बड़ी सारी लाइन लेके उसने देखा कि ये मिनिमम डिफ्लेक्शन जहाँ कम से कम कौन बनता है बहुत सारी जो रिशोएं उसके पास ही रहती कई एंगल से आएंगी इसमें इधर से आएगी इधर से आएगी इधर से आएगी इधर से आएगी और मिनिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के पास बहुत आती है इसका मतलब है कि रोशनी अधिक मिनिमम रिफ्लेक्शन के नजदीक होती है तो ये एंगल जो मिनिमम रिफ्लेक्शन वाला होता है पहले इधर से आ रही थी अब इधर को गई ये कौन ये बयालीस डिग्री है ओ, बड़ा लिखू तकरीबन तो अगर सूर्य से अपने सिर के से निकाल के सीधी लाइन डालिए और वहां से एक लीजिए कौन बयालीस डिग्री का बयालीस साढ़े बयालीस डिग्री का और वहां पे सेमी सर्कल बनाइए तो बड़ा इंद्रधनुष जो है वो वहां दिखता है और उसपे लाल रंग ऊपर दिखता है और नीला नीचे हैरानी होती है शुरू में कह रहे आए क्यों लाल को तो कम बिखरना चाहिए था कम रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो इसलिए कि असल में तो कम ही होता है पर हमने इधर को जा रही थी 180 डिग्री में से वो निकालना होता है तो उल्ट जाता है तो इसीलिए लाल ऊपर होता है जानी, जानी, जानी 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 रंग जो होता है वो नीचे होता है अब इसमें और भी होता है एक और रेनबो भी बनती है वगैरह वगैरह कई तरह की चीज़ें होती हैं इसमें तो जैसे कहते हैं ना मिट्रोलॉजिकल ऑप्टिक्स इसमें तो इतनी है। चीज़ें हैं कभी कभी होता है दिन के वक़्त भी बादल से हो ज़रा हल्का सा सूर्य हो ऊपर तो सूर्य की तरफ देखें तो सूर्य के चारों तरफ ऐसे गुर, लगता गुर, है एक रोला सा है और कभी रात को चंद्रमा के युद्ध तो भी गोला सा दिखता है अब वो गोला जो होता है वो बड़े प्यारे तरीके से है कि आकाश के बिल्कुल ऊपर ऊंचाई पे ये हम नहीं कई बार समझते हैं कि बहुत सारी हमारी बारिश है वो एक्चुअली आइस क्रिस्टल्स जी, जी. वो बर्फ की छोटी छोटी क्रिस्टल से शुरू होती है बाद में क्रिस्टल आती हैं तो बनती है अब बर्फ़ की कई क्रिस्टल्स ऐसी ही होती हैं कि कि छह कोण वाले प्लेट एक और एक होती है कि छह कोण वाली एक रॉड अगर छह कोण लेंगे बराबर तो उसके जो अल्टरनेट कोण एक छोड़ के वो साइड जो उसके बाजू हैं उनका अगर आप कोण लेंगे तो साठ डिग्री का कोण आता है सात डिग्री का कौन हुआ जी ए, कैसे सात डिग्री देखिए ना साथ। अगर एक दो तीन चार पाँच लिया और ये कौन, अगर देखेंगे आप ये ये सात डिग्री होगा ये वाला हुँ? तो इसमें इसको प्रिज्म मान लीजिए इस साइड को इस सात डिग्री का प्रिज्म ये ऐसे ऐसे लुढ़क रही है सब नीचे धीरे 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 आ रही है कहीं लुढ़क रही है तो अब इसमें से जो लाइट निकलेगी उसका भी एंगल ऑफ मिनिमम डिफ्लेक्शन जो होता है कम से कम मुड़ने का कोण जो है वो भी रिफ्रैक्शन है वो निकलता है आप उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह लगाइए वो 22 डिग्री निकलता है और उसके नजदीक सारी जो लाइट उससे अंदर वाली होती है वो चोरी करके वहां चली जाती है तो वहां पे लाइट अधिक हो जाती है।, है और कौन सा दिखने लगता है तो अगर कभी ये दिखे तो आपको पता चल गया कि वहां पे आइस क्रिस्टल बहुत है धन्यवाद